हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, क्या आपने ओटीआर किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन? और दूसरी बात, यहाँ पर हम आपको डेट बताने वाले हैं फ्रेशर कैंडिडेट का क्या रहेगा दोस्तों, एक्सपीरियंस रहेगा या नहीं रहेगा, और सिलेक्शन किस प्रकार से आपका होगा। सिलेबस के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में आपको सारी जानकारी दे दी थी, और इस वीडियो में आपको दोस्तों एक्सपीरियंस के बारे में और आपको पेपर के बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। डियर कैंडिडेट, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों, इसकी जो फॉर्म का डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कैंडिडेट, क्योंकि उम्मीद है सभी ने ओटीआर कर दिया होगा। ओटीआर आप फॉर्म से पहले करना पड़ेगा आपको। एक बार आपने यूपीपीएससी आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना होगा। और सिंपल है दोस्तों, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको जिस प्रकार किसी का भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसी प्रकार से इसमें, लेकिन इसमें वन टाइम है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह दोस्तों, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको बता देंगे। अभी दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, देखिए इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा इसमें डायरेक्ट। और इसमें सबसे बढ़िया बात, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस ये है, कोई भी एक्सपीरियंस भी इसमें नहीं मांगा जाएगा। केवल आपको प्री और मेंस, यानी कि प्री आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और मेंस में आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए, पिछली बार का जो पेपर था दोस्तों, हमने आपके लिए ढूंढा है, और देखिए यहाँ पर जो प्री का पेपर था, जिस प्रकार से प्री आता है उस प्रकार से ये पेपर है, 17 का पेपर है। हमारे पास सारे पेपर पड़े हुए हैं। अगर किसी को पेपर चाहिए तो दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट भी ये पेपर प्रोवाइड, यानी कि पेपर ले सकते हैं, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आप लोग देखेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार पेपर था पिछली बार भी, और इसमें सारे क्वेश्चन आए थे। 170 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके अलग आते हैं, और बाकी के 120 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार था दोस्तों। वैकेंसी देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। अब 14 तारीख से पहले पहले आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस भर्ती का इंतज़ार है, क्योंकि यूपीपीएससी की सभी भर्तियां दोस्तों बहुत ही शानदार होती हैं, काफ़ी सैलरी होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से काफ़ी कैंडिडेट्स को इंतज़ार है, तो बने रहे हमारे चैनल पर दोस्तों सारी जानकारियों के लिए, क्योंकि आप सबको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहीं के द्वारा मिलेगी, ठीक है। पिछली बार भी काफ़ी कैंडिडेट्स को पता है दोस्तों, उनका सिलेक्शन हो रखा है, तो उनको पता है दोस्तों उनको कितनी हेल्प मिली थी, और आपको भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।